हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपसे निहारी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बड़े की निहारी बहुत टेस्टी बनती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 kg निहारी वाला गोश्त लिया है, जिसको मुझे पहले से गलाना है। मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया। उसमें मुझे दालचीनी, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, नमक और लौंग और पानी डालकर ये मैं उसमें अच्छे से पानी सब डाल दूंगी और गलने तक मैं इसमें सीटी लगा दूंगी। एक सीटी मैं फुल फ्लेम पे रख के लगाऊंगी, फिर कम से कम 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। मसाले के लिए मैंने इतनी प्याज लिया था, जिसको मैंने पीस लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 tablespoons पिसा धनिया, 1 tablespoon पिसा मिर्चा, 1/2 tablespoon हल्दी और 2 तेज़पत्ता। ये मसाला फ्राई करने के लिए मैंने 2 छोटी प्याज को कट कर लिया है, 1/2 spoon गरम मसाला, 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल मेरा गरम हो चुका है, तले में थोड़ा सा डालूंगी जिससे इसकी झाग जो स्मेल होती है तेल की वो निकल जाए। फिर मैं पूरा प्याज डाल दूंगी। प्याज मेरी अब गोल्डन ब्राउन हो गई है, मैं इसमें अब सारा मसाला डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी कि मसाला अच्छे से पक जाए, मसाले की स्मेल सारी खत्म हो जाए, बहुत अच्छे से पक जाए। मैंने गोश्त गलने में नमक डाला था, इसलिए अभी मैंने मसाले में नमक नहीं डाला है। मैं जब सारा ऐड कर दूंगी और जो कम होगा उसके हिसाब से इसमें नमक मैं डाल दूंगी। मसाले को लो फ्लेम पे रखकर ढककर कुक करिए। मसाला मेरा भुनने वाला है, मैं इसको भून लूंगी अच्छे से। इतना भूनूंगी कि इसका तेल अलग हो जाए। देखिए हमारा तेल भी अब अलग हो रहा है। ये मसाला मेरा भून चुका है, अब इसमें मैं गला हुआ निहारी डाल दूंगी। लो फ्लेम पे इसको मैं 5 मिनट के लिए कुक करूंगी। और अब मैं थोड़ी सी अदरक कटी हुई और थोड़ी हरी मिर्च कटी हुई डालकर ऐड कर दूंगी। गर्मा गर्म मेरी निहारी रेडी हो चुकी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।